गढ़रवारा में आदि पुरुष मूवी को बैन करने की मांग को लेकर गढ़रवारा हिंदू उत्सव समिति और सकल समाज के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के नाम गढ़रवारा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। समिति के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है आदि पुरुष मूवी के प्रसारण को जल्द से जल्द भारत देश में रोका जाए। जन जन के हृदय में बसने वाले श्रीरामचरित रामायण को जिस तरीके से पात्र संवाद में सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाओं का आहत किया है, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद हम अयोध्या में भगवान राम मंदिर को साकार होते देख रहे हैं, तभी देश में रामायण के पात्रों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फूहड़ तरीके से पेश करना देश की आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित करना है। फिल्म के ऊपर रोक लगाई जाए। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा बड़े आक्रोश के साथ आदि पुरुष मूवी का पुतला जलाया गया और अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। हिंदू उत्सव समिति से कमलेश अग्रवाल और राजीव दुबे, अभिनय ढिमोले, प्रस्तुति सोनी और समिति के लोगों ने आक्रोश में कहा कि भारत देश में हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो मूवी का निर्माण होगा भारत देश के में हर हिंदू इसी प्रकार से विरोध करेगा। बॉलीवुड के द्वारा वर्षों से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की मूवी सुनियोजित तरीके से बनाई जाती है। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आदि पुरुष मूवी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या संदेश देंगे इस ज्ञापन के माध्यम से? हम ये संदेश देना चाहते हैं, भारत में अगर जब भी कोई हिंदू विरोधी फिल्म का निर्माण होगा उसके विरोध में संपूर्ण भारत का हिंदू उसके विरोध में खड़ा होगा। अभी जो हाल में ही जो आदि पुरुष फिल्म का जो प्रसारण हुआ है उसके विरोध में सकल वैसे अपने हिंदू उत्सव समिति एवं सकल हिंदू समाज की तरफ से के अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भारत के सूचना में प्रसारण मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर से हम लोग ये मांग करते हैं कि इस फिल्म को तत्काल इस फिल्म को बैन किया जाए और इस फिल्म में सेंसर बोर्ड में जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस फिल्म के रिलीज होने से संपूर्ण भारत के में इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। हम सभी सनातन हिंदुओं की भावनाओं के इस फिल्म से ठेस पहुंची है। जिस तरह से इस फिल्म में रामायण का जो चरित्र बताया गया है उससे हम लोगों की सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस फिल्म के डायलॉग के साथ साथ इस फिल्म के जो पात्र हैं, मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के पात्रों का मुगल के लोगों से प्रेरित होकर इस पात्रों का अभिनय किया गया है। इसमें तत्काल इस फिल्म को बैन किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम देख रहे हैं कि सिनेमा जगत द्वारा लगातार ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जो हमारे संपूर्ण भारत के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा रही है। उसी तरह एक और फिल्म आई है आदि पुरुष, इसमें जो हमारे संपूर्ण भारत की आत्मा रामायण है उसमें किरदारों को, उसमें जैसे पहनावे को लेकर या डायलॉग जो मनोज मुंतशिर हैं उनके डायलॉग जो है काफ़ी विवादित हैं और हम उसी का विरोध करने यहाँ सभी लोग हिंदू उत्सव समिति और सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। और ये सूचना और प्रसारण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और ये मध्य प्रदेश सरकार से ये हम ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग हिंदू सकल हिंदू समाज करेगी। अगर नहीं होता तो समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर एक आंदोलन हम करेंगे। आज जो ये ज्ञापन है उसमें समस्त हिंदू समाज के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि जब से भी कोई मूवी बनती है उसमें हमेशा से हिंदू धर्म का ही मजाक बनाया जाता है। आप इतनी मूवी शुरुआत से लेकर अभी तक की उठाकर देख लीजिए, अनेक हमारे भारत में धर्म है उनमें से किसी धर्म के खिलाफ आपको ऐसी मूवी नहीं मिलेगी जिसका मजाक बनाया जाए। हमेशा सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके मजाक बनाया जाता है और हम सभी को ऐसा कार्य करने के लिए कि हम लोगों को ज्ञापन देना पड़े या उसके लिए कुछ बात उठानी पड़े जब वो मूवी बंद हो। हम सभी ने देखा है कि राम जी का किरदार या रामायण में जो सभी किरदार थे वो कितने सुंदर थे, या कहूँ मैं रावण के किरदार की बात
तो भले हम विजयदशमी में पुतला दहन करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि सीता जी का हरण करके ले गए थे, पर रावण एक विद्वान थे और आप अगर मूवी में उनका किरदार उठाकर देखेंगे तो किरदार को बिल्कुल ही विपरीत रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उसमें आप देखेंगे कि रावण किरदार ना उसमें दिखाकर एक जो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार था वो दिखाया गया है। अगर आपको इतना दिखाने का शौक है तो आप अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मूवी बनाकर बताइए। क्यों बार बार हमारे सनातन धर्म के साथ मजाक बनाया जाता है? पहले भी सनातन धर्म के खिलाफ मजाक बनाया गया है। आप अनेक मूवी उठाकर देखेंगे, चाहे आप पीके उठा के देख लो, चाहे कोई भी उठा के देख लो, आपको ऐसे अनेकों नाम मिल जाएंगे। पर तब कहीं ना कहीं हम सभी ने चुप होकर कहो, मैंने भी उस मूवी को देखा हो, जब ये था कि हम लोग उसके बारे में इतना ज़्यादा ना हम लोग सोचते थे, ना हमारे सनातन धर्म के बारे में बात करना चाहते थे। पर आज का जो हिंदू है वो जागरूक है, अपने धर्म के प्रति उसको बोलना आता है, अपने धर्म की ज्ञान है। आपने अभी देखा होगा द कश्मीर फाइल्स आई थी और भी बहुत सारी मूवी आई हैं, उनका हम लोगों ने क्यों सपोर्ट करा? अगर मैं बात करूँ साउथ की मूवी का, त्रिपल आर हो चाहे कोई भी मूवी हो, हम वही हिंदू हैं जिन्होंने साउथ की मूवी का सपोर्ट किया था। पर ऐसी मूवी जो हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएंगी, ना हम हिंदू में से कोई उस मूवी को देखेगा, ना ही हम उसका समर्थन करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ कि भारत देश जो हिंदू राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू है, वहाँ पर ये जो इतने दिन से मूवी चल रही है वो चल कैसे गई? जो शुरुआत के दिन थे उसी दिन में मूवी को बैन हो जाना था। और जैसा मैं मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान करती हूँ कि समय समय पर धर्म से संबंधित अगर कहीं कुछ बात आती है उनके ऊपर बैन लगाया जाता है, तो ये जो मूवी है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए, वरना आगे की कार्यवाही के लिए अगर हिंदू अपनी ओर से कुछ प्रयास करते हैं तो उसके लिए सरकार बाध्य होगी, ना कि हम लोग बाध्य होंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।